अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल ये है कि अगर सजदा में दोनों पांव उठ जाए तो नमाज का क्या हुक्म है, नमाज होगी कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि अगर सजदा में दोनों पैर की तमाम उंगलियां मुकम्मल तौर पर ज़मीन से उठ जाए और तीन तस्बीह के बक़दर यानी तीन मरतबा सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला कहने के बक़दर यही कैफियत रहे कि किसी पैर की उंगली का कोई हिस्सा ज़मीन से ना लगे, तो ऐसी सूरत में नमाज फासिद हो जाती है। और अगर तीन तस्बीह के बक़दर ये कैफियत नहीं रही बल्कि उंगली ज़मीन से बिला उज़्र उठ जाने के बाद फौरन ज़मीन पर टेक दी जाए तो यह फ़ेल अगरचे मकरूह है लेकिन नमाज इस सूरत में हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।